यार वैसे मुझसे ज्यादा इस लड़की को जरूरत है ऐनक की। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐनक लगाएगी तो उसे दिखेगा ना क्या रखा है इस निकम्मे में। तो आप मुझे निकम्मा कह रहे हैं? मजाक कर दूं, इधर बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तो वो मिलते हैं अलीना से, उन्हें कल बुला लो घर पर। कौन अलीना? अरे अलीना नहीं, अलाया, अलाया नाम है उसका। केरिया, आजकल के नाम अपने पल्ले नहीं पड़ते। खैर अब याद कर लीजिए अलाया, और उन दोनों से मिलने फिर हम यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी? ऐसी बातें यूनिवर्सिटी में थोड़ी होती हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं। अच्छा, क्या? और ये अलीमा के वालिद क्या करते? अलाया, अलाया नाम है उसका, और अब उसके उसके पैदा होने से चंद माह पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्चुअली अलाया ना पाकिस्तान में परवीन शाकिर, जॉन एलिया, इन सब की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। And that's why उसने सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी? या सेंट जॉन्स। हाँ, क्या हुआ अंकल? बहुत बुरी यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी है। ओके, मेरी तो जवानी की बहुत सारी यादें वाबस्ता है वहां से। That's wonderful then. हम उनसे मिल भी लेंगे और आप अपनी जवानी की यादें ताजा कर लीजिए। नहीं यार, वो यादें फूलों की वो कलियां हैं जो कब की मुरझा चुकी हैं और जमीन में दफन हो गई। ये भी क्या बेबसी है, इन हवाओं में अब भी उसकी महक बसी। इसी गुलिस्तान में तो हम मिलकर रोए थे, यही गूंजती उसकी वो हंसी है। यूं ना था कि वो हमें चाहता ना था, अफवाह थी वो बेवफा है, दिल हमारा ये मानता ना था। मजबूरी उसकी कोई रही होगी कि अफवाह को यकीन कर गया। झूठे वादे से सजा कर एक घर मुझे उसका मकीन कर गया। ना माँ, माँ व्हाट हैपेंड? नहीं कुछ नहीं, चलो हम किसी और दिन मिलेंगे। चलो सिंस करो माँ। आपको पता है मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तराक था। क्या था इश्तराक? क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी? अब वो गलती नहीं, पहले इस पर बात कर लेते हैं बेटा। गलती होता है। हाँ, गलती उर्दू में कुछ भी नहीं है। ओके, और वो जो किसी से मिलने का होता है ना, उसे कहते हैं इश्तियाक। इश्तियाक क्या कहते हैं? इश्तियाक। इश्तियाक, इश्तराक कहते हैं पार्टनरशिप को। जैसे आप मिस्टर रूहान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं, और उसमें रुकावट है, एक तो हम हैं और दूसरी वालदा जी। वालदा? या वालदा जी। वालदा नहीं, वालिदा। वालिदा क्या? मामा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, वो कह रही थी कि फिर किसी और दिन। इट्स ओके, वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कभी कभी। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। क्यों अंकल?
आपको बुरा तो नहीं लगा आप लोग इतने दूर से आए हैं? और इस जगह से तो माँ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, क्या कर सकते। आप क्यों मुझसे हर बात को घुमा फिरा के कर रही हैं? आजकल सीधी बात करें ना। सीधी बात ये है कि मैं उस शख्स हिमायूं से बिल्कुल मुलाकात नहीं करूंगी। मैं जान दे दूंगी लेकिन उससे बात नहीं करूंगी, समझ आइए? तुम्हारा जो दिल चाहे करो, शादी करनी है कर लो, लेकिन याद रखो कि रूहान के साथ शादी करके तुम्हें मेरी दुआएं नहीं मिलेंगी। मामा क्या हो क्या गया आपको, किस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं आपने? बेटी हूँ मैं आपकी, अपनी ही बेटी के सर से आप दुआओं का साया छीन रही हैं। साया नहीं छीन रही, बल्कि अपनी बेटी को और उसके खुशियों को धूप से बचा रहे हैं। माँ तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपनी बेटी पे कि आपने उसको इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो धूप छाँव गलत अच्छे बुरे को समझती है, अपनी हिफाजत करना जानती है। आता है, और मैंने ही सिखाया तुमने ये, लेकिन अभी तक उसे मौसम की पहचान नहीं है। धूप क्या है, छाँव क्या है, तुम्हें नहीं पता। आपको है पहचान, आपको तो होगी ना पहचान, आपको तो सब आता है, आपको तो सब पता है। आपको तो ये भी पता था कि मेरे बाबा को हार्ट डिजीज थी और आपने उनका चेकअप नहीं करवाया। क्या हुआ माँ, अब नहीं है आपके पास कोई जवाब, राइट? क्यों कभी मेरे बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों हर चीज मुझसे आप छुपाती रही? बाबा मेरे पैदा होने से 6 महीने पहले मुझे छोड़ के जा चुके थे। चलो ठीक है, बेशक वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन आज भी मेरी रगों में खून तो उन्हीं का ही दौड़ता है ना। माँ मैं तरसती हूँ, मैं तरसती हूँ अपने बाप से मिलने के लिए। मैं जब दूसरों को देखती हूँ कि वो अपने बाप के साथ, माँ आपने कभी 1 मिनट के लिए भी सोचा कि कुछ कभी आप मुझे बता सके? बताया भी तो अमू ने बताया। माँ आज मेरे बाबा होते ना मेरे साथ तो वो ये सब कुछ ना करते जो आपने रोहान के साथ किया, एटलीस्ट वो मुझे शर्मिंदा नहीं करते। कहाँ से लाऊं मैं अपने बाबा को? आपकी इस एरोगेंस ने मार दिया उनको। आपके इसी एटीट्यूड ने ना कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, पहले मेरे बाप को मुझसे छीना और अब आप रोहान को मुझसे छीनना चाहती है। नहीं मामा, जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।